वेलकम टू पड्रे ऑनलाइन क्लासेस. कैसे हैं सब लोग? आई एम योर मेंटर रूबल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, आज हम वही करेंगे जो हमारा रिमेनिंग लास्ट क्लास के अंदर रह गया था. मैन्योर फर्टिलाइजर्स का पोर्शन, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये क्लास बीएससी सिक्स ईयर फोर ईयर दोनों के लिए है. इस क्लास के बाद ये जो दोनों लेक्चर हैं, आपको मैन्योर फर्टिलाइज़र कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. हेलो अभिमन्यु, रमन, नितेश, ज्योत्सना, मोहम्मद, साहिल, अभिनव, नवनीत, मासूम, नॉलेज ट्री, अभिषेक, पैग्रोटेक, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. चलिए लेट्स स्टार्ट. आज हम क्लास के बीच में डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, आपको लास्ट में 10 मिनट्स दे दूंगी, उसके अंदर जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. उससे पहले आप जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ठीक है, नहीं तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती क्लास में. चलिए, हेलो प्रियांशु. उस दिन हमने कर लिए थे हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, मैन्योर्स दो तरह के, बल्कि एंड कंसंट्रेटेड, एंड फर्टिलाइजर्स हमने बेसिकली मेजर जो हमारे तीन टाइप के पढ़े थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. चलिए, ठीक है, जो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इसके अंदर भी, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर. ठीक है, जो आर्नन एंड स्टाउट थे दो साइंटिस्ट, इनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या है, 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि असेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, फिर तो आपको क्या लिखना है, 16. ठीक है, अगर आपसे स्पेशली ये मेंशन किया जाए कि अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट हाउ मैनी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, तो तब आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 17. ठीक है, अब जो 17th जो हमारा असेंशियल न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, निकिल है. ठीक है, इससे पहले वाले जो हैं 16 वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, लेकिन जो 17th है वो कौन सा है, निकिल है. ठीक है, अब ये जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं. ठीक है, फर्स्ट वन मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़े. ठीक है, माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल. ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, यानी कि 100 ppm से ज़्यादा प्लांट को रिक्वायर होते हैं ना. प्लांट को क्या है, 100 ppm से जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, दे आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और जो 100 ppm से लेस चाहिए होते हैं प्लांट को, ठीक है, वो कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. क्लियर, ये बोल भी रहा है कि देयर आर अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम द सॉयल एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, जो प्लांट है वो सॉयल को, सॉयल में से लार्ज अमाउंट में क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, तो वो कहलाते हैं माइक्रो, सॉरी मैक्रो. एंड जो स्मॉल अमाउंट में अब्सॉर्ब करता है वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो. क्लियर, अब मैंने आपको बता दिया जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एसेंशियल कितने हैं, 17. जो मैक्रो हैं दे आर 9. ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 8, एंड मैक्रो 9. ठीक है, क्लियर सबको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 9, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 8 हैं. टोटल मिला के कितने हो गए, 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए. ठीक है, अब जो मैक्रो हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, कौन से, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं. ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं मैक्रो की. मैक्रो के अंदर हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, प्राइमरी के अंदर आप इस तरह से याद रख सकते हो, CHO, NPK,
कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. कैसे? सी एच ओ, तीन तीन करके सी एच ओ, एन पी के, सी एच ओ, एन पी के, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये हमारे क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, जिसके अंदर जो सी एच ओ है दे आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स. एन पी के ये क्या है? हम प्राइमरी ही कंसिडर करते हैं इसको. ठीक है, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर हैं ये तीनों क्या हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि कार्बन इज अ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो कार्बन जो है दिस इज अ कार्बन क्या है? एक बेसिक न्यूट्रिएंट है. ठीक है, और कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ विच न्यूट्रिएंट. तो कैल्शियम किस टाइप का न्यूट्रिएंट है? ये क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है. ऑल्सो ये क्या है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है. ठीक है, क्लियर है सबको? कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए. सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है, जो सी एच ओ है, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है? बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है. चलिए अब हम आते हैं हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो या मेजर कह लो, उनके फंक्शंस के बारे में. आपको इनके फंक्शंस के बारे में भी पूछा जाता है. ठीक है, सबसे पहले है नाइट्रोजन. तो जो नाइट्रोजन है इसका मेजर रोल रहता है सेल के अंदर. ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड्स आपने देखा होगा, अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या है? सेल डिवीजन के लिए रोल प्ले करता है. दूसरा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं. ठीक है, आपको वही पढ़ने. और इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स. क्लियर है सबको? नाइट्रोजन क्या है? सेल के अंदर मेजर रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. दूसरा, इंटीग्रल पार्ट किसका है? क्लोरोफिल का. ठीक है, नेक्स्ट है. अभी मेजर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं. ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? लोअर लीव्स बिकम येलो फर्स्टली एंड ड्राइज. दिस इज द सिम्टम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट किसका है? ठीक है, तो जो लोअर लीफ हैं यानी जो नीचे वाले लीफ हैं, सपोज ये आपका प्लांट है, ये येलो होंगे, तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसका है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का है. ठीक है, येलोइंग बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, लेकिन जो लोअर लीव्स की येलोइंग होती है सबसे पहले वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होती है. ठीक है, अब टिलरिंग इज पुअर इन सीरियल्स. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो टिलर्स हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा टिलरिंग स्टेज है ना, तो जो टिलर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? पुअर हो जाती है उनकी ग्रोथ. ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ. दूसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है. ठीक है, वी शेप्ड क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स. ये जो येलोइंग हुई है इसके ऊपर वी शेप्ड की क्लोरोसिस. क्लोरोसिस का मतलब येलोइंग हो जाती है. इस तरह से पैचेस में वी बना हुआ होता है और वहां पे इस तरह से येलोइंग हो जाती है. ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है. ठीक है, याद रखना आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या है. एक तो येलोइंग ऑन द लोअर लीव्स, आल्सो वी शेप्ड क्लोरोसिस. यानी क्लोरोसिस का मतलब होता है लीफ का येलो हो जाना. तो जो लोअर लीव्स हैं उसके अंदर वी शेप्ड क्लोरोसिस हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का क्या मेजर रोल है? फॉस्फोरस प्लेज ग्रेट रोल. आपको पता है एटीपी जो आपने पढ़ा है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, जो हमारी एनर्जी है उसके अंदर फॉस्फोरस का क्या है? मेजर रोल है. ठीक है, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंस.
ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स इज गवर्नड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। तो जो डिजीज रेजिस्टेंस है यानी जो बीमारी को रोकेगा है ना, प्लांट को क्या है फाइट करने के लिए इन्हांस करेगा डिजीज के अगेंस्ट, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, वो फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ये क्या है, एसेंशियल है न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए, फाइटिन और फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विटल टू सीड फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, एंड प्रमोट अर्ली रूट फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, मेजर यही है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये डिजीज रेजिस्टेंस किस वजह से होती है इन द प्लांट, दिस इज ड्यू टू फॉस्फोरस। अब मेजर इसके अंदर डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, देखो ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट ऑन ओल्डर लीव्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन के अंदर तो येलोइंग होती है, इसमें क्या है रेड पर्पल कलरेशन ऑन द लीव्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन। अब मेजर जो इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है फॉस्फोरस का, वो क्या है, जो लीव्स होते हैं, आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगी, उसमें जो लोअर लीव्स है उसके अंदर क्या है रेड टू पर्पलिश कलर की इस तरह से क्या हो जाती है, कलर आ जाता है, पर्पल कलर की बाउंड्री बन जाती है लीव्स की, तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम पी से फॉस्फोरस एंड पी से पर्पल। ठीक है, पी से फॉस्फोरस एंड पी से पर्पल, तो याद रखना है पर्पल कलर की कलरेशन जो लीव्स के सराउंड में आएगी, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या मेजर रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा के अंदर। ठीक है, आपने पढ़े होंगे जो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं उसके अंदर पोटेशियम का मेजर रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, डिजीज एंड ड्रॉट टॉलरेंस। वो क्या था, फॉस्फोरस के अंदर क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या है रेजिस्ट करेगा, डिजीज को आने नहीं देगा, लेकिन पोटेशियम क्या करता है, इन केस अगर डिजीज आ गई है प्लांट के ऊपर तो क्या करेगा, उसको प्लांट को पता नहीं चलने देगा, यानी टॉलरेट करेगा। वही है ना, हम किसी चीज़ को टॉलरेट करते हैं, तो प्लांट की टॉलरेंस के लिए कौन सा जो न्यूट्रिएंट है रिस्पॉन्सिबल है, वो पोटेशियम है। ठीक है, ऑल्सो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो स्टोमेटा रेगुलेशन में हेल्प करता है वो है पोटेशियम, दूसरा डिजीज एंड ड्रॉट टॉलरेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है वो है पोटेशियम, तीसरा लग्जरी कंजम्पशन। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछी जा चुकी है कि लग्जरी कंजम्पशन इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, तो वो किसकी वजह से है, पोटेशियम की वजह से है। ठीक है, लग्जरी कंजम्पशन का क्या मतलब है कि ऐसा और तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट जो पोटेशियम है ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है प्लांट को जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेता है। वही जैसे हम घर पे तो नॉर्मली हमें 3 रोटी की भूख है ना, लेकिन अगर कहीं शादी वगैरह में चले जाते हैं तो हम क्या है ओवर डाइट ले लेते हैं, है ना, ज़्यादा खा लेते हैं पेट भर के। उसी तरह से जो पोटेशियम है, ठीक है, प्लांट के अंदर क्या है, जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दैट इज़ नोन एज लग्जरी कंजम्पशन। तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है कि जो लग्जरी कंजम्पशन है ये प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स, ये क्या हो रहा है आज, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, ठीक है, जो हमारी शुगर्स होती हैं, ठीक है, जो भी लैक्टोज वगैरह, सॉरी लैक्टोज तो मिल्क के अंदर होती है, जो भी प्लांट के अंदर सुक्रोज, ठीक है, तो जितनी भी शुगर्स होती हैं सेल्यूलोज वगैरह जो भी हैं शुगर्स, वो सारों की ट्रांसलोकेशन कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, दूसरा इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ सीड एंड फ्रूट, और ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लांट के अंदर पोटेशियम ऑल्सो रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन रेट एंड इंक्रीज फोटोसिंथेसिस रेट. ठीक है, प्लांट को कब ट्रांसपिरेशन, आपको पता है, आपको करवा चुके हूँ पहले भी, ट्रांसपिरेशन या फिर रेस्पिरेशन रेट कब लो करना है, कब हाई करना है, कब स्ट्रेस आ रहा है, कब नहीं आ रहा है प्लांट के अंदर, है ना. तो वो सब कौन मैनेज करता है, वो पोटेशियम की हेल्प से प्लांट मैनेज करता है. ठीक है, चलिए अब मेजर इसके अंदर डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे. स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑफ मार्जिन्स ऑफ ओल्डर लीव्स. ठीक है, जो पुराने लीव्स हैं उसके अंदर स्कॉर्चिंग हो जाना, आपने देखा होगा जो लीफ है, लीफ के साइड में से क्या है, स्कॉर्चिंग हो जाती है. स्कॉर्चिंग का मतलब वहाँ से प्लांट बर्न हो जाता है, बीच में येलो रहता है. ठीक है, यहाँ से क्या है, सूख जाता है जो लीफ है, तो ये होती है स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑफ लीव्स. ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. ठीक है, डायरेक्टली ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके पेपर में, पूछा जा चुका है कि स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग इन द लीव्स ऑफ ओल्डर प्लांट्स, सॉरी ओल्डर लीव्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. ठीक है, और क्वालिटी वगैरह ये तो कर ही चुके हैं हम. ठीक है, पहले भी. चलिए ये है देखो डेफिशिएंसी सिम्टम, फॉस्फरस की डेफिशिएंसी होगी तो इस तरह से क्या है, पर्पलिश मार्जिन्स हो जाएंगे, मैंने आपको बताया पहले भी. और अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो इस तरह से, ठीक है, लीव्स के अंदर. और जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो इस तरह से येलोइंग होगी. क्लियर है सबको, वीडियो रुक गई है. अच्छा, वीडियो रुक गई है. वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क का कोई इशू होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम क्या मेजर रोल प्ले करता है, कैल्शियम क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर ऑन यंगर लीव्स. एक पॉइंट ये है कि जो डेफिशिएंसी होगी ना, यानी जो न्यूट्रिएंट की कमी होगी, वो पहले यंगर लीव्स पे, जो नए लीव्स पे हैं उन पे होगी. ठीक है, और अब मेजर ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लैक हार्ट ऑफ सेलरी अजवाइन जो होती है, ठीक है, दूसरा ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं ये पॉइंट्स. बिटर पिट ऑफ एप्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ब्लैक हार्ट ऑफ सेलरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो कैल्शियम. सिमिलरली ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो एंड बेर एंड बिटर पिट ऑफ एप्पल, ये सब किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करता है, मे अकर ऑन एसिड सॉयल, सैंडी सॉयल और सॉयल्स विद हाई पोटेशियम लेवल. ठीक है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी वहाँ होती है जहाँ पे सॉयल के अंदर क्या है, हाई पोटेशियम है. ठीक है, दूसरा डेफिशिएंसी ओल्डर लीव्स पे होता है, ये भी याद रखना है. ठीक है, और ग्रास टिटैन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ग्रास टिटैनी इन एनिमल्स इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो जो ग्रास टिटैनी है इसके अंदर क्या होता है, ऐसा फोरेज या फिर ऐसा जो प्लांट्स, जो एनिमल्स प्लांट कंज्यूम करते हैं ना, फोडर कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है, ग्रास टिटैनी डिजीज हो जाती है. ये क्या है, एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है. ठीक है, जो किसके वजह से होता है, जो कैटल्स हैं वो कहाँ ग्रेज कर लेती हैं, ऑन मैग्नीशियम डेफिशिएंट पैस्चर्स. पैस्चर आपको करवाया है जो जहाँ पे भेड़ बकरियाँ या जो खुले मैदान में चरती हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर जो कैटल्स चर लेती हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंट पैस्चर के ऊपर, तो उनके अंदर क्या है, हाइपो मैग्नीस एनीमिया हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, एबनॉर्मली लेवल ऑफ ब्लड मैग्नीशियम. ठीक है, जिसके क्या है, ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है. ठीक है, याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. सैंड राउंड डिजीज इन टबैको इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, डायरेक्टली वन लाइनर. तो सैंड राउंड डिजीज इन टबैको इज ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. ठीक है,
न्यूट्रिएंट के क्वेश्चन जो हैं जितने भी आपके पेपर में आते हैं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर ये लेक्चर आप अच्छे से कर लेते हो तो और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमीनो एसिड्स के अंदर सल्फर का मेजर रोल होता है। कई बार पेपर में डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि जो अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड बताओ जिनके अंदर सल्फर हो, है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऐसे क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मैथियोनिन, ये तीन ही ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनके अंदर क्या है, सल्फर होता है, ठीक है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजेंसी इन अनियन, डायरेक्टली वन लाइनर, पंजेंसी इन अनियन, ये आपके पेपर में आ चुका है। पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, सॉरी डेफिशिएंसी नहीं, पंजेंसी इन अनियन, जो हम पंजेंट स्मेल आती है अनियन के अंदर, आंखों में से जो टीयर्स भी आ जाते हैं ना, तो जो पंजेंट सी स्मेल होती है वो किसकी वजह से आती है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अंदर एलाइल आइसोसाइनेट्स की वजह से जो पंजेंसी है, जो पंजेंट स्मेल है वो आती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो गार्लिक है, गार्लिक के अंदर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंसी के लिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि गार्लिक के अंदर पंजेंसी किस वजह से होती है, ठीक है। दूसरा, सल्फर का मेजर रोल होता है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में। ठीक है, सल्फर का मेजर रोल होता है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन क्या है, ये डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विच एलिमेंट इज द, या जो असेंशियल एलिमेंट है, इनमें से कौन सा एक जो है नॉन मेटल एलिमेंट है, ठीक है। तो जो बोरॉन है वो एक मात्र ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट इन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो वो कौन सा है, बोरॉन है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पिछली बार भी जब शायद पेड बैच में क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन या फिर जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ होगा तो वो क्या होगा, बोरॉन की वजह से होगा। एक और न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, वो भी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जो पोलन है या फिर जो ओवरी की जर्म ट्यूब है या जो भी पोलन से रिलेटेड या जर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ भी पेपर में पूछा जाए तो वो किसकी वजह से होगा, बोरॉन की वजह से होगा, ठीक है। तो असेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। दूसरा, ये भी शुगर की ट्रांसलोकेशन करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। टेस्ट इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरॉन, ठीक है, डायरेक्टली पेपर में ऐसे पूछा जाएगा। टेस्ट इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, तो जो टेस्ट है दैट इज ड्यू टू बोरॉन, ठीक है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी सिम्टम। बोरॉन की अगर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई प्लांट के अंदर तो क्या क्या होगा, ठीक है। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है। जिन्होंने पेपर दे दिया है पहले उनको पता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। टॉप सिकनेस ऑफ टबैको, ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। फ्रूट क्रैकिंग इन टमेटो और पोमग्रेनेट, इस तरह से क्वेश्चन आया था। एंड टमाटर या फिर जो अनार है, ठीक है ना, टमाटर या जो अनार है उसके अंदर जो फ्रूट आपने देखा होगा क्रैक हो जाता है ना, तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ऑल्सो अनइवन सप्लाई ऑफ इरिगेशन। ये भी मैंने आपको एक बार
पहले जब मैंने पढ़ाया था तो कराया था कि जो फ्रूट क्रैकिंग है टमाटो के अंदर या फिर जो अनार के अंदर, वो बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है। अगर बोरॉन ऑप्शन में नहीं है तो किस वजह से होगी? ड्यू टू अनइवन या इररेगुलर सप्लाई ऑफ इरिगेशन। या तो हम पानी दे नहीं रहे हैं या दे रहे हैं तो ज़्यादा एकदम से पानी दे दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, फ्रूट क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है। दूसरा है हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, ठीक है, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस। आपने देखा होगा सिट्रस, ठीक है, जो किन्नू है सपोज, उसके अंदर क्या है, कई जो एरिल्स हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, तो वो किस वजह से हो जाता है, वो भी बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, ठीक है। हाँ, हैन एंड चिकन डिजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैन एंड चिकन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है। हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स, ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर भी किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है। याद करना है आपको, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रूट क्रैकिंग एंड टॉप सिकनेस ऑफ टबैको, हैंड एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स एंड होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, ऑल दीज आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है। अब है क्लोरीन, क्लोरीन का मेजर रोल तो नहीं है बट हाँ, एलाइल डाई एलाइल डाइसल्फाइड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले करता है। ओस्मो रेगुलेशन क्या, सपोज ये सेल है प्लांट का, ठीक है, अब इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स को एंटर होना है, कौन से मटेरियल को एंटर नहीं होना है, या कौन से को बाहर जाना है या कौन से को नहीं जाना है, ओस्मो रेगुलेशन ये होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है इसका मेजर रोल क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट्स, ठीक है। दूसरा है ये क्या करता है, अबंडेंस सप्रेस द डिजीज, अगर ये अबंडेंस में है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, डिजीज़ को सप्रेस करेगा। दूसरा, को फैक्टर ऑफ मैंगनीज कंटेनिंग वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स फोटोसिस्टम टू, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू क्या होता है जब हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे, ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, को फैक्टर है इन मैंगनीज कंटेनिंग वाटर, ये ऐसा ही वन लाइनर आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या है, स्टरलिटी, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन ही है, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स ही हैं, ठीक है। स्टरलिटी इन मेल फ्लावर्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, तो स्टरलिटी किसकी वजह से हो जाती है, स्टराइल मतलब वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है जो फ्लावर है, ठीक है, तो वो मेल के अंदर हो जाती है किसकी वजह से, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। दूसरा है रेक्लेमेशन डिजीज ऑफ सिट्रस, सिट्रस की जितनी भी मैक्सिमम डेफिशिएंसी की डिजीजेज होती हैं वो कौन करता है, कॉपर ही करता है। अब यहाँ देखो, रेक्लेमेशन डिजीज है, डाईबैक डिजीज है, या गुम्योसिस एंड जेंथोमीनिया है, ठीक है। गुम्योसिस गम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, गम जैसा कुछ कंपाउंड सिट्रस के फ्रूट्स और स्टेम के ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो जो डाईबैक है, रेक्लेमेशन डिजीज है, या फिर जो गुम्योसिस है, ये सभी के सभी कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखो आयरन, ठीक है, आयरन का कुछ मेजर रोल नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसके बारे में नहीं लिखा है, बट देखो एक उसका डेफिशिएंसी सिम्टम ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरवीनल क्लोरोसिस अकर्स बट मेन वेन रिमेन्स ग्रीन, ठीक है। अब आयरन का मेजर रोल क्या है, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, देखो ये क्या है, विदाउट आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि ये हेल्दी लीफ है, बट इन केस आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है तो आपको पता चल रहा होगा इंटरवीनल है, इंटरवीनल ये आपका लीफ है, लीफ के अंदर ये क्या है, वेन्स है,
वेन्स हैं, दिख रही है आपको, है ना, ये सेकेंड स्टेज है और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इंटरवीनल जो वेन्स हैं, वेन्स तो आपको पता है ये वेन्स होती हैं लीफ के अंदर, तो जो वेन्स के आसपास का एरिया है उसके अंदर क्लोरोसिस होगी, बट ये जो मेन वेन है ना, ये हमारी जो मेन वेन है ये क्या रहेगी, दैट रिमेन्स ग्रीन। ये मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम है आयरन का, ठीक है। मेन वेन रिमेन, ऐसे ही डायरेक्टली पूछा जाएगा, इंटरवीनल क्लोरोसिस अकर्स बट द मेन वेन रिमेन्स ग्रीन, तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम किसका है, तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम है आयरन का, ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है सबको यहां तक? ओके, चलिए नेक्स्ट है मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये वन लाइनर है डायरेक्टली, फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पेक ऑफ ऑट, मार्स स्पॉट ऑफ पीस एंड स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज लेड्स टू क्रिंकल्ड लीफ ऑफ कॉटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिंकल्ड लीफ पेपर में पूछा जाएगा, क्रिंकल्ड लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, जो क्रिंकल्ड लीफ है यानी लीफ क्या है, सिकुड़ जाते हैं। मान लो ये हेल्दी लीफ है तो लीफ क्या है, इस तरह से डिस्टॉर्टेड शेप का हो जाता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, क्रिंकलिंग आ जाती है, ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। ये भी आपको याद रखने हैं कि ग्रे स्पेक, फहाला ब्लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। अब नाइट्रेट रिडक्टेज मैंने आपको उस दिन भी कराया था जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कराई थी, तो जो अमोनिया की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, नाइट्रेट टू अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हमें जो चाहिए होता है वो क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, तो जो मॉलिब्डेनम है वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प इसको बनाने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ लेग्यूम नोड्यूल्स, आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो लेग्यूम्स है, दालें हैं, दलहन जो फसलें हैं उनके अंदर क्या है, जैसे ग्राउंड नट है आपने देखा होगा, उसके रूट्स के अंदर क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो ये जो नोड्यूल्स हैं इनके अंदर क्या है, राइजोबियम होता है जो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये जो नोड्यूल है इसकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, मॉलिब्डेनम हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि विप टेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, ठीक है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन। दूसरा है जिंक, ठीक है। अब जहां पे भी रोसेट वर्ड आ जाए ना, रोसेट, ठीक है, वहां पे चुपचाप करके क्या लगा देना, जिंक लगा देना, ठीक है, रोसेट ऑफ ये, रोसेट ऑफ वो, रोसेट, कोई भी प्लांट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो रोसेटिंग जो मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कौन करता है, जिंक करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, जो पेपर दे चुके हैं उनको पता है, ये तीनों ही पेपर में आ चुके हैं एक एक बारी। खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, ठीक है, वाइट बर्ड ऑफ मेज एंड लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, ये तीनों ही पेपर में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, तो ये सारे किसकी डेफिशिएंसीज होते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी से, क्लियर।
नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो गए हैं. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो रह गया है बायो फर्टिलाइजर. बायो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बायो का मतलब लिविंग एंड फर्टिलाइजर. आपको मैं करवा चुकी हूँ जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हम प्लांट को क्या है देते हैं. ठीक है, तो जो बायो फर्टिलाइजर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग यानी जिंदा माइक्रोब्स, जो फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी जो भी है. ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर वो होता है विच वेन अप्लाइड टू सीड्स, प्लांट सर्फेसिस और सॉयल कॉलोनाइज द राइजोस्फियर. ठीक है, अब क्या है देखो, नेचुरली भी क्या है प्लांट्स के अंदर जो राइजोस्फियर. राइजोस्फियर क्या है, सपोज ये आपका ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं. ठीक है, तो इसकी रूट्स का जो एरिया होता है, जहां जहां इसकी जड़ें फैली हुई हैं वो क्या कहलाता है, राइजोस्फियर. ठीक है, यानी रूट्स के अराउंड का एरिया राइजोस्फियर. जो भी हम फर्टिलाइजर वगैरह हैं वो हम राइजोस्फियर में देते हैं. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूट्स के अराउंड का एरिया है उसको क्या कहते हैं, राइजोस्फियर कहते हैं. ठीक है, कहाँ है, राइजोस्फियर. ठीक है, और हमने क्या किया, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया किस में, सॉयल में, तो ये क्या करेंगे, कॉलोनाइज कर लेंगे राइजोस्फियर को. ठीक है, कॉलोनाइज मतलब वहाँ फैल जाएंगे और इंटीरियर ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट के अंदर भी, एंड प्रमोट्स द ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू द होस्ट प्लांट. ठीक है, जो नेचुरली मैं आपको बता रही थी, नेचुरली भी ये जड़ों के अंदर होते हैं. ठीक है, प्लांट्स की रूट्स के अंदर होते हैं, बट क्या है, अगर हम बायो फर्टिलाइजर डालते हैं इसका मतलब क्या है कि जो हम नेचुरली जो होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं. लेकिन जब हम क्या है बाहर से जो मार्केट वाले होते हैं, यानी पैकेट के अंदर बंद, उसमें क्या होगा, जो क्वांटिटी होगी. ठीक है, मान लो फंगस का कोई ट्राइकोडर्मा हम ले आए तो उसमें क्या है, ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी या उसके स्पोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट के अंदर क्या होगी, उसकी ग्रोथ को इन्हांस करेंगे और अवेलेबल कर देंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, जो नाइट्रोजन वगैरह प्लांट पहले नहीं ले पा रहा था, अब उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, इनक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो डायरेक्टली पेपर में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है. ठीक है, अब जो बायो फर्टिलाइजर हैं ये तीन तरह के हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग एंड ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिंग. ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो कौन कौन से हैं, अगर हम लेग्यूम्स के अंदर देखें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे जो दालें हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या है, राइजोबियम होता है, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, यानी अनअवेलेबल फॉर्म को क्या करता है, अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है नॉन लेग्यूम्स. ठीक है, अब ऐसी फसलें जो लेग्यूम्स नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए कौन से होते हैं, उनके लिए एज़ोटोबैक्टर है, स्पेरुलम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड अजोला है. ठीक है, ये सारे क्या हैं, सीरियल्स बेसिकली हम कह सकते हैं. ठीक है, वीट राइस वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं, ये सारे यूज़ करते हैं. ठीक है, दूसरा फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर. ठीक है, जो फॉस्फेट की सोल्यूबिलिटी करते हैं या फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन से हैं, बैसिलस है, सूडोमोनास है, एस्परजिलस है. ये भी पूछा जाता है पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर, तो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, फॉस्फेट वाले कौन से थे, बैसिलस, सूडोमोनास, एस्परजिलस. ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कौन से थे, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पिरुलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, एज़ोला. ठीक है, नाम भी आपको याद रखने हैं. ठीक है, और फॉस्फेट एब्जॉर्बर वाला वैम. ठीक है, वैस्कुलर, आरबस्कुलर, माइकोराइजा. ठीक है, ये सारे क्या हैं, फॉस्फेट की फिक्सेशन करते हैं, फॉस्फोरस को अवेलेबल कराते हैं प्लांट को. ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से. उस दिन हमने पढ़ा था जो मैन्योर्स के अंदर, कि मैंने आपको बताया था जो मैन्योर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं ना, डीकम्पोज होते हैं. ठीक है, तो डीकम्पोज होने के बाद जो वो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं वो कौन से हो गए, ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर. अब जो सेल्युलोज का यूज़ करेंगे वो वाले हैं सेल्युलोमोनास एंड ट्राइकोडर्मा. ठीक है, एंड जो लिग्निन का यूज़ करेंगे वो एंथ्रोबैक्टर एंड एगेरिकस है. ठीक है,
क्लियर है सबको? तीन तरह के हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर वाले। नाइट्रोजन वाले कौन से हैं? राइजोबियम, जोटोबैक्टर, एजोस्पिरुलम और ये फॉस्फेट वाले, ये एंड ऑर्गेनिक मैटर के वाले, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग मैं आपको बता चुकी पहले ही। दो तरह की है, फिजिकल या नॉन बायोलॉजिकल, मतलब जैसे बिजली वगैरह भी चमकती है, थंडर स्टॉर्म होता है तो उस टाइम भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, ठीक है, जो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल, यानी जो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा, वो दो तरह का होता है, सिम्बायोटिक होता है और नॉन सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। नॉन सिम्बायोटिक मतलब फ्री लिविंग, ठीक है, जो जोटोबैक्टर वगैरह, लेकिन जो सिम्बायोटिक का मतलब है किसी के साथ एसोसिएशन में होगा, किसी के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। सिम्बायोटिक आगे दो तरह का होता है, थ्रू नोड्यूलेशन, यानी नोड्यूलेशन मैं अभी आपको बता चुकी, अगर तो वो रूट्स की रूट्स के साथ नोड्यूल्स की फॉर्म में होगा, गांठों की फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा? नोड्यूलेशन। और अगर ऐसे ही प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है बिना नोड्यूल्स के, तो वो क्या होगा? नॉन नोड्यूलेशन। अब नोड्यूलेशन वाला मैंने आपको बता दिया, राइजोबियम है ना, तो थ्रू नॉन नोड्यूलेशन, बाकी जो रह गया ना बिना जोला वगैरह, ठीक है। चलिए, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम इज यूज्ड फॉर, ठीक है, लेंस पी के लिए, विसिया फेबा के लिए, ठीक है, या फिर ये आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, ट्राइफोलाइट, ट्राइफोलियम लेग्जेंड्रम के लिए, राइजोबियम फेजुलाए जो है वो फेजुअलस वल्गरिस के लिए, ठीक है, राइजोबियम मेल्युलोटाई वो मेल्युलोटस, ठीक है, ट्राइगोनेला यानी वो फेन्यूग्रीक वगैरह, या मेडिकेगा मेडिकेगो, ये क्या है? लुसान अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा के लिए, या ल्यूपिन, ल्यूपिन क्रॉप होती है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, तो ल्यूपिनस के लिए, एंड ये राइजोबियम जेपोनिकम, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये सारे ही करा दिया आपको, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि राइजोबियम जो जेपोनिकम है ये किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, ग्लाइसिन यानी और ग्राउंडनट, ठीक है, और दो के लिए, ठीक है, सोयाबीन, ग्लाइसिन ये लिखा ही हुआ है, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, सन हेम्प के लिए भी, ठीक है। तो जो लेग्यूमिनेसेरम है वो इनके लिए, ये याद रखना है, जेपोनिकम आपसे पूछा जा चुका है कि जो राइजोबियम जेपोनिकम है दिस इज यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो जो जेपोनिकम है ये ग्लाइसिन के लिए यानी सोयाबीन के लिए, ग्राउंडनट के लिए एंड सन हेम्प के लिए, ठीक है। ये कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट्स हैं, ये भी आपसे एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो ये आप देख लो, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा इंडिकेटर प्लांट होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन और कैल्शियम के लिए कॉलीफ्लावर और कैबेज होता है, फॉस्फरस के लिए मस्टर्ड होता है, ये आप नोट डाउन कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। आयरन जैसे वो सोरगम के लिए, कॉपर वीट के लिए, जिंक मेज के लिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस, यहां तक कितने का किसी का कोई डाउट हो, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन ये डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज की वजह से ही होता है, ठीक है। आदित्य फर्स्ट क्लास, आदित्य सोनी मैम टाइम टेबल हमें बता दीजिए, विशाल वर्मा लव यू टू बेटा। चलो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब देखो पेपर में डायरेक्टली कैसे पूछा जाता है, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टमेटो एंड पोमग्रेनेट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, ये आपके पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, विप टेल किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, ठीक है। नेक्स्ट है, डायबैक ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू, तो डायबैक किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट बड ऑफ मेज एंड लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक. ठीक है, नेक्स्ट है बटनिंग इन कॉलीफ्लावर. हाँ, ये वहाँ पे नाइट्रोजन में रह गया था बट यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है. जो नाइट्रोजन जो बटनिंग है कॉलीफ्लावर के अंदर, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट है लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस. मैंने बताया सिट्रस के अंदर जो भी है रेक्लमेशन है या फिर जो दूसरी गुमियोसिस है, ठीक है, तो ये सारे ही किसकी वजह से होते हैं, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा चलिए ये बाद में कराऊंगी आपको. हाँ, फर्टिलाइजर के क्वेश्चन रह गए थे उस दिन. ठीक है, विच फर्टिलाइजर इज अ न्यूट्रल इन नेचर. तो न्यूट्रल कौन सा था, मैंने आपको बताया था कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. अब बताओ कैन को और क्या कहते हैं और इसके अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, कमेंट करके बताओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं. वैसे मैं आज मैन्योर फर्टिलाइजर के ही लेकर आई थी. हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो. तो जो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये जैसे एक ये क्वेश्चन था विच फर्टिलाइजर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर. इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, तो जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर है दैट इज अमोनियम सल्फेट. अरे क्वेश्चन ही गायब हो जाते बारी बारी. विच फर्टिलाइजर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर. तो सल्फर का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है. किसान खाद होती है और 25-26% उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. और ये क्या है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, यानी ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है. ठीक है, हाँ, फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया. ठीक है, सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजर, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो था दैट वॉज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी जब इनकी क्लास लूंगी. ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.